तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोगों का लेक्चर। सो एज यू कैन कंप्रेसर वीडियो कोड सी या कोड सी, हम लोगों ने क्या बोला, आपको वीडियो को दो टाइप में वो कन्वर्ट करता है या कंप्रेस करता है। एक जहाँ पे आप वापस अपने वीडियो को ओरिजिनल क्वालिटी में ला सकते हैं, दूसरा जहाँ पे आपने एक बार अपने वीडियो को कंप्रेस किया तो वापस वो ओरिजिनल क्वालिटी में नहीं ला आ सकता। लाइक जैसे मैंने बोला कि अगर आपका वीडियो MP4 है, 800 MB का है, वो अगर 3 GB फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट हो गया तो वापस वो MP4 में आप वो सेम लेवल पे नहीं ला सकते, है ना। और लॉसलेस में क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेस किया, वीडियो ट्रांसफर करना था वहाँ पे किया, और वो जो उसका क्वालिटी जो है वो हाई क्वालिटी जो है वो मेंटेन होगा यहाँ पे। ये हम लोग का बेनिफिट है। फ्रेम्स क्या होता है, अब उसके लिए अगर आप देखेंगे, हम लोग अगर डायरेक्टली एक एग्जाम्पल समझे, सो यहाँ पे देखो, अब ये मेरे पास एक वीडियो है। अब ये वीडियो के अंदर इफ यू नोटिस वी हैव मल्टीपल फ्रेम्स। जैसे देखो यहाँ पे मैं जब ये माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ ना, दिस आर द फ्रेम्स ऑफ दिस वीडियो। तो अगर मुझे अभी क्या करना है, ये पूरा वीडियो मुझे नहीं देखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये बीच में से मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि भाई ये इसका बन के ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे इतना बन गया, ओके, अब इसके आगे वो कहाँ पे कभी बन के ख़त्म हो रहा है। सो मुझे ये पूरा यहाँ पे आपको देखो ये वीडियो के जो भी पार्ट है ये सब दिखता है। सो दिस इज द फ्रेम, गेटिंग, दिस इज द मेन फ्रेम जो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। ये आपके सारे फ्रेम्स हैं जिसमें एक एक फ्रेम में आपको पता चल रहा है कि हर एक वीडियो में क्या आएगा। सो आप सोचो कि कितने सारे फ्रेम्स एक साथ हम लोगों ने कंबाइन किए तभी आपको जाके ऐसा कुछ इफेक्ट मिल रहा है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, मतलब यूट्यूब पे और बाकी बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन होता है जहाँ पे हम लोग माउस पॉइंटर मूव करके देख सकते हैं कि आगे वीडियो में कौन से फ्रेम पे क्या आपके स्कैन्स आपको दिखने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो अगर आगे अगर कहीं पे ड्रैग करना है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करना है या कहीं पीछे जाना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। ये यहाँ से आप ये देख सकते हो, दिस आर द फ्रेम्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग वापस अगर अपने नोट्स में जाए तो यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ बताया हुआ है। देखो, फ्रेम्स, स्टिल इमेजेस विद इन अ वीडियो क्लिप, इसको यूट्यूब और बाकी मीडिया प्लेयर बहुत अच्छे वे में यूज़ करते हैं आपको वीडियो का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड उसके आगे क्या बोला है, हायर द नंबर ऑफ पिक्सल्स मोर एक्यूरेट द इमेज कैन बी रिप्रेजेंटेड, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। हम लोग को पता है जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा रहेंगे उतना इमेज का रेजोल्यूशन ज़्यादा रहेगा, उतना इमेज जो है ज़्यादा क्लियर रहेगा। फ्रेम साइज अभी हम लोग को यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सेम जो वीडियो है वो मैं अलग अलग फ्रेम साइज में देख सकता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे मेरे पास अलग अलग रिजोल्यूशन में ये सेम वीडियो अवेलेबल है। सो दिस इज द फ्रेम साइज। लाइक फर्स्ट मेरे पास फ्रेम साइज है 1080 पिक्सल। देखो ये सेम जो वीडियो है वो अभी 1080 पिक्सल में लोड होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइप है। देन ये सेम जो है ये मैं फ्रेम्स को 144 पिक्सल में लोड कर सकता हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये इसका क्वालिटी कितना बेकार है, लेकिन ये देखो लोडिंग कितना फास्ट हो गया है इसमें, गेटिंग। लेकिन आप अगर इसमें ये बीच में के जो फ्रेम्स देखेंगे ना, वो फ्रेम्स का रिजोल्यूशन सेम ही रहता है। फ्रेम्स जो है ये आपको 144 पिक्सल में नहीं दिखेंगे। अब इसको मुझे और अगर क्लियर करना है तो मैं इसका साइज चेंज कर दूंगा, 360 में लेके आऊंगा मैं, थोड़ा क्लैरिटी बढ़ गया, है ना। देन अगर मैं इसको 480 में ला सकता हूँ, 240, 480, सो वापस और पहले वाले से 360 से क्वालिटी बढ़ गया। एंड इसको अगर प्योर HD में लाना है, वो 720 या 1080 वाले पिक्सल में लाऊंगा। सो देखो यहाँ पे ये आपको प्योर क्वालिटी मिलेगा इसका, हर एक चीज, हर एक डिटेल बहुत क्लियरली पता रहेगा आपको, गेटिंग। सो ये आपका जो पिक्स जो आपका फ्रेम्स है उसके ये अलग अलग साइजेस है, जैसा हम लोग यहाँ पे नोट्स में देख रहे हैं। सो आपके अलग अलग साइज जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। द फाइल साइज डिस्क्राइब सिंगल वीडियो फ्रेम साइज के रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको 720, 760, 4:3 फ्रेम्स, ये अलग अलग हो सकते हैं, दैट्स इट। फ्रेम एस्पेक्ट रेशियो, जैसा वीडियो का हम लोगों ने देखा था वैसा फ्रेम का भी अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था, वापस नहीं बता रहा हूँ। फ्रेम रेट क्या रहेंगे, सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी रिक्वायर्ड 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। US एंड जापान क्या फॉलो करते हैं, अप्रॉक्स 30 फ्रेम्स पर सेकेंड फॉलो करते हैं। सो एनिमेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो एनिमेशन में आपका प्लेइंग बैक टाइम जो है, फ्रेम रेट जो है, दिस आर रिक्वायर्ड मोर। और एनिमेशन लोअर फ्रेम्स में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा स्लो दिखेगा, ओके। टाइम कोड क्या होता है, टाइम कोड बहुत सिंपल है आपके वीडियो में, डिवाइडेड इनटू आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स एंड फ्रेम्स। सो आपको ऐसा टाइम कोड आएगा, आपको अगर कोई वीडियो अगर एडिट करना है तो आप बहुत इजीली वहां पे टाइम कोड देख के उसमें से
कौन सा पार्ट एलिमिनेट करना है, कौन सा रखना है, वो एडिशन डिलीशन हम लोग कर सकते हैं। सो जैसे मैं बताऊंगा कि ओके ये आर इतने मिनट्स इतने सेकेंड पे, ये इतने फ्रेम्स है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मिनट 22 सेकेंड्स पे वी हैव 6 फ्रेम्स। देन उसके बाद में एक स्पेसिफिक मिनट 2 आवर्स 30 मिनट्स और 50 सेकेंड्स के ऊपर वी हैव अगेन 10 फ्रेम्स, ऐसा हो सकता है। वॉट इज द स्कैनिंग मेथड? स्कैनिंग का मतलब क्या होगा, हम लोग ये जो स्कैन करेंगे वीडियो फ्रेम्स इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन बाय स्कैनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट टू फॉर्म एन इमेज। याद है मैंने स्कैनर्स वाला सिखाया था अभी, इसके प्रीवियस पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी में हम लोगों ने देखा था। सो वही है। इंटेलेज में क्या होगा, एज वी नो दो स्कैनर्स हम लोग लगा देंगे, अपर फील्ड लोअर फील्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऑड लाइंस एक में आएंगे, एक में क्या आएगा इवन लाइन स्कैन करेंगे। सो वी हैव टू स्कैनर्स, एक सिर्फ ऑड लाइंस स्कैन करते जाएगा, दूसरा इवन लाइन स्कैन करते जाएगा, तो इससे आपका इमेज जो है वो बहुत जल्दी से स्कैन हो सकता है। देन नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव स्कैन, डिस्क्राइब्स द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अ वीडियो वेयर ईच फ्रेम इज रिकॉर्डेड एज अ होल इमेज। ये सेम पैटर्न आप देखो कि आजकल आपको बहुत सारे वीडियोस में आता है, सॉरी बहुत सारे मोबाइल में आता है, जहाँ पे हम लोग अपने थोड़े ऐसे मूविंग इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। सो वो ये सेम पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है, हाई डेफिनेशन HD इमेजेस क्या रहता है, उसके फ्रेम रेशियो क्या रहेंगे, ये देखो एस्पेक्ट रेशियो आपको क्या बोला है 4:3 एंड 6:9 है, और इसका जो आपका HD वीडियोज़ जो रहेंगे उसका पिक्सल साइज क्या रहेगा 720 का रहेगा। HD वीडियोस आपका पिक्सल साइज क्या रहेगा 1080, 1280, 1920, 1440 या उसके भी आगे दूसरे और भी आपको 4000 पिक्सल तक के अभी आते हैं, है ना, आपके जो HD वीडियोस आते हैं वो। वीडियो कंट्रोलर क्या रहता है, वीडियो कंट्रोलर ऑफन रिफर्ड टू एज अ वीडियो और ग्राफिक कार्ड। सो आप देखो कि अगर ये जो भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ ये इनबिल्ट ऑनबोर्ड मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड रहेगा तो ही ये चलेगा, अदरवाइज वीडियो भी नहीं चलेगा मेरे कंप्यूटर में। एंड आज के हम लोग के जो फास्ट कंप्यूटर्स है जिसमें अगर मुझे गेम्स या हाई रिजोल्यूशन गेम्स या कुछ अगर खेलना है तो आपको एनवीडिया या हम लोगों के AMD रेडियन ये सब के ग्राफिक कार्ड्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं। सो आप आज के टाइम पे आप अगर कोई भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर देखोगे, कंप्यूटर तो रेयरली कोई हम लोग खरीदते हैं, लैपटॉप ही अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड मिलता है। और स्पेशली आप देखोगे आप कोई गेमिंग कंप्यूटर्स या लैपटॉप देखोगे तो उसके अंदर तो आपको हार्ड डिस्क HDD के साथ में SSD वाला हार्ड डिस्क भी मिलता है, स्टोरेज डिवाइस और प्लस रैम अलग से मिलता है, और ग्राफिक कार्ड 4GB 6GB ऐसा ग्राफिक कार्ड भी होता है आपका। सो ग्राफिक कार्ड से आपके जो भी एनिमेटेड जो भी चीज़ है वो काफ़ी फास्ट चलता है, बेटर प्रोसेसिंग होता है उसका, ये बेनिफिट रहता है हम लोग के लिए। सो ग्राफिक कार्ड के बिना आप देखो कि ग्राफिक कार्ड के बिना आपके बहुत सारे गेम्स का रिजोल्यूशन जो है वो आपको ढंग से नहीं दिखेगा, उसके जो रियल इफेक्ट है वो आपको नहीं दिखेंगे। सो वीडियो कंट्रोलर मतलब वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड। सो वीडियो कंट्रोलर या ग्राफिक कार्ड जो है वो हम लोग 2D और 3D इमेजेस या गेम्स जैसे जैसे लाते गए वैसा इसका इवोल्यूशन होते गया, और आज के टाइम पे 3D गेम्स की जब से हम लोग बात करते हैं तब से हाई परफॉर्मेंस वीडियो कंट्रोलर या हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत रहती है, उसके बिना तो आपके 3D गेम्स वर्क ही नहीं कर पाएंगे। GPU यही सेम चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए भी रिक्वायर्ड है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। सो आप देखो CPU से बहुत ज़्यादा फास्टर रहता है, इसका काम ही सिर्फ क्या रहता है वही सेम जो ग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन है इसको आपको प्रोसेस करना है वो। एडवांस वीडियो कार्ड्स बहुत सिंपल है, एडवांस वीडियो कार्ड्स आपको क्या बोला रिफर टू एज वीडियो कार्ड, इंस्टॉल इन टू एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर द पार्ट ऑफ मॉडर्न वीडियो कार्ड इंक्लूड्स पावर सप्लाई कनेक्टर कूलिंग फैन GPU ये सब कंबाइन आता है एंड PCI इंटरफेस भी रहेगा। सो वी कैन से कि डबल ग्राफिक कार्ड ग्राफिक्स डबल डेटा रेट्स वर्जन 5 मेमोरी आपके पास यहाँ पे वही बेसिक है, आपके AMD का रेडियन आता है फॉर एग्जाम्पल, दैट इज वन थिंग। NVIDIA दिस आर द मेन टू मोस्ट पॉपुलर वन जो हम लोग बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं। ओके सो ये आपका थियरी पार्ट हो गया अभी तक जो भी मैंने कुछ बताया, यहां से आपका मेन CG स्टार्ट होता है। सिलेबस के अंदर आपको यही सेम पैटर्न में आपको वहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी एंड एनालाइज द बेसिक फंक्शंस यूज्ड फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो आपको ये बेसिक फंक्शंस है थोड़े बहुत। अब यहाँ पे मैंने उसका
सोल्यूशन नहीं दिया है, ओनली द रीजन कि हम लोग आगे आगे है ना ये सेम चीज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये सेम ही चीजें हम लोग आगे अपने सी जी के प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करते हैं, यूज करते हैं ये सेम फंक्शंस। सो आप वहां से कोई भी अलग अलग फंक्शंस डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, और वैसे भी आप एक बार अगर ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर लोगे देन इट गेट्स वेरी इजी फॉर यू टू यूज एनी पर्टिकुलर और जस्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर दिस फंक्शंस। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे खाली स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, ऐसे आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू अ रेडीमेड कोड हियर, सो दैट एटलीस्ट आप खुद से ट्राई करो। सो ये सेम मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताता हूँ। देखो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्रीन, है ना। तो आपको क्या करना है कि सॉरी सेंटर ऑफ स्क्रीन पे आपको अपने एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके बताना है। तो इसका कोड सबसे पहले विल ट्राई टू एनालाइज द कोड। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज आवर कोड, एज यू कैन सी दिस इज आवर कोड। फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लाइक सॉरी हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ पे दिया है कि हम लोग सर्टन पैकेजेस को इंक्लूड करते हैं। एज यू कैन एज यू नो कि हम लोग का ये जो प्रैक्टिकल है दिस इज अबाउट सी, तो ऑफकोर्स हम लोग सी के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे, या सी प्लस प्लस कोई भी एक कोड चल सकता है। तो मैंने यहाँ पे सी यूज़ किया है फर्स्ट टाइप में। अगर आप देखोगे इंक्लूड ग्राफिक डॉट एच, तो आपको क्या करना है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ग्राफिक वाला फाइल जो है उसको इनहेरिट कर, पैकेज जो है उसको इनहेरिट करेंगे, बिकॉज अगर वो नहीं रहेगा तो आप कोई भी शेप्स या कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ग्राफिक के हम लोग रेडीमेड यहाँ पे फंक्शंस यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन जैसे बोला है कि सेंटर ऑफ स्क्रीन पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली कोई तो लाइंस ड्रॉ करना है, तो बस मैं यहाँ पे वही सेम पैटर्न बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट जो है वो है हम लोग लाइब्रेरी इम्पोर्ट करेंगे, बिकॉज ये लाइब्रेरी में से बहुत सारे फंक्शंस या पैटर्न हम लोग रेडीमेड यूज कर सकते हैं। देन stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कोनियो, इतना तो हम लोगों ने fi में जब भी पढ़ा है तभी भी इतना तो पता रहेगा आपको, स्टैंडर्ड इनपुट आउट देने के लिए ये यूज करता है। कोनियो हम लोग यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन, और एल्स दूसरा हम लोग यूज करते हैं गेट सी एच वाला मेथड के लिए। अब एज यू कैन सी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो लिखता है ना वो लिखता है जी ड्राइवर, फर्स्ट लाइन वॉट वी राइट फर्स्ट वर्ड, और उसको हम लोगों ने डेटा टाइप दिया है इन। तो हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो हम लोगों को हेल्प करेगा ग्राफिक ड्राइवर को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर ग्राफिक ड्राइवर एंड ग्राफिक मोड अगर डिटेक्ट होते हैं तो यहाँ पे उसको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। देन सेम वे हम लोग सेकेंड जो है वहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों का क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। बस आपका स्क्रीन जो है वो ऐसे है ना हॉरिजॉन्टल एंड ऐसे वर्टिकल डिवाइड होगा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले तो आउटपुट बताता हूँ, देखिए सो दिस इज द आउटपुट हाउ इट लुक्स लाइक, है ना। हम लोगों का सेंटर ऑफ स्क्रीन पे आपको ये आउटपुट दिख रहा है, ऐसा कुछ हम लोगों का आउटपुट मिलना चाहिए। सो लेट्स गो बैक टू आर प्रोग्राम। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले x का मैक्सिमम वैल्यू एंड y का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैच करेंगे, मतलब मेरे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं x एंड y एक्सिस के ऊपर वो हम लोग चेक करते हैं। उसके साथ हम लोग बाय डिफॉल्ट आपका जो सी होता है टेक्स्ट मोड पे होता है, मतलब हम लोग हेलो वर्ल्ड या कुछ भी अगर प्रोग्राम लिखते हैं आपने देखा है ना वहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, दैट मीन्स इट इज बेसिकली ऑन टेक्स्ट। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो उसको ग्राफिक मोड पे स्विच करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ग्राफिक ड्राइवर्स को। कैसे, यहाँ पे मैं एम्परसेंड मतलब एड्रेस प्रोवाइड करूँगा ग्राफिक ड्राइवर का, एंड ग्राफिक मोड का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कहाँ से हम लोग वो पर्टिकुलर फाइल्स को लोकेट करते हैं, तो मेरे कंप्यूटर में सी ड्राइव में, मैंने टर्बो सी जब इंस्टॉल किया तो मेरे कंप्यूटर में सी ड्राइव में टर्बो सी 3 नाम का फोल्डर बना, और उसके अंदर बीजीआई नाम का फोल्डर है, ये पर्टिकुलर फोल्डर का मैंने लिंक दिया यहाँ पे। उसके बाद अभी हम लोगों को क्या करना है कि अगर आपको कलर सेट करना है ना तो सेट कलर, देखिए ये हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रैक्टिकल देखा ना उसके अंदर का ही ये एक मेथड है, तो आपका वो यहाँ पे यूज भी हो गया।
गेट मैक्स कलर है ना, ये मेथड डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। सो मैक्सिमम हमका जो भी कलर्स रहेंगे अलग अलग हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो ब्लैक स्क्रीन है उसके ऊपर व्हाइट कलर से ही हम लोग का लाइन बता रहा है और कोई दूसरा कलर हम लोग यूज नहीं कर रहे। सेम वे गेट मैक्स एक्स का वैल्यू वो हम लोग किस में स्टोर करेंगे। नाउ दिस इज द रेडीमेड फंक्शन विच इज अवेलेबल अंडर ग्राफिक डॉट एच फाइल। तो ये हम लोगों ने रेडीमेड ये फंक्शन यूज किया है और इसमें ये फंक्शन क्या करेगा, आपका एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू कैच करके उसको वो एक्स मैक्स वाला जो वेरिएबल है हम लोगों का इंटीजर वाला जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसके अंदर स्टोर करेगा। सेम वे वाई मैक्स क्या करेगा, गेट मैक्स वाई जो है ये फंक्शन आपको वाई एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू देगा और वो हम लोग वाई मैक्स वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग चार वैल्यूज पास करते हैं। सबसे पहला जो वैल्यू रहता है ये रहता है x1 मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x, जहाँ पे मैंने उसको डिवाइड किया है 2 से एक साइड पे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। फिर y का वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, इसके लिए मैंने y का मिनिमम वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा। देन एक्स मैक्स डिवाइड बाई 2 मतलब अभी हम लोग एक्स टू का मतलब सेकेंड पॉइंट जहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेके जाना है ना, आपका रिजल्ट लाइन लेके जाना है उसका वैल्यू देते हैं। एंड वाई मैक्स मतलब वाई का मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या करेगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन्स है ना वो ड्रॉ करेगा। एंड नेक्स्ट जो वाला पार्ट है यहाँ पे देखिए, मुझे एक्स का मिनिमम वैल्यू नहीं पता है एक्स वन का, देन यहाँ पे मैंने क्या किया वाई वन का वैल्यू दिया। देन सेम वे यहाँ पे हम लोगों को x max दैट इज y2 का वैल्यू मिलेगा एंड यहाँ x2 का वैल्यू मिलेगा, सॉरी एंड यहाँ पे क्या मिलेगा y2 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, नीचे गेट सी एच क्लोज ग्राफ, क्लोज ग्राफ क्या करेगा आपके टर्बो सी को वापस ग्राफिक मोड से टेक्स्ट मोड पे लेके आता है एंड रिटर्न 0। ये हम लोग लाइन लास्ट में लिखते हैं, तो अगर आपके ऊपर के जितने भी लाइन्स है सारे अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए तो आपको वहाँ पे लास्ट में आपका सिस्टम कंपाइलर जो है 0 रिटर्न करेगा। और अगर उसने 0 रिटर्न किया तो बेसिकली आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा सक्सेसफुली। ये हम लोगों का पैटर्न होता है। अभी जो लाइन वाला फंक्शन है ना वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ वापस, बिकॉज आई थिंक कि आपको प्रॉपर समझा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लाइन फंक्शन हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग देंगे x1, y1, x2 y2। मतलब होता है कि x का मिनिमम वैल्यू जहां से मैं अपना लाइन ड्रॉ करना चालू करूंगा, सेम वे y का मिनिमम वैल्यू, देन x2 का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू x का है ना। तो सपोज मुझे क्या करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक अगर लाइन ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो x1 हो गया एंड एंडिंग पॉइंट होगा वो x2 होगा। सेम वे वाई का वाई वन मतलब वाई जो एक्सिस के ऊपर मेरा लाइन ड्रॉ होगा उसका स्टार्टिंग वैल्यू एंड वाई टू क्या होगा उसका एंडिंग वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये सेम हम लोग चीज वहां पे भी मैंने मेंशन किया था, जो अभी मैंने आपको कोड बताया जिसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स का स्टार्टिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए या मेरा लाइन जो स्टार्ट होगा उसके लिए मैंने एक्स मैक्स डिवाइड बाई 2 किया था। मतलब अगर मेरा एक्स का वैल्यू होगा 10 है तो डिवाइड बाई 2 मतलब मुझे x1 का वैल्यू क्या मिला 5 मिला, बराबर है। सेम वे y1 मतलब y का स्टार्टिंग पोजीशन मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा था, कौन सा वाला हॉरिजॉन्टल वाला, ऐसे वाला जो x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगा, इसके लिए वहां पे मैंने y1 की जगह 0 लिखा था। देन x2 में वापस मैंने लिखा था x डिवाइड बाय 2 एंड y का मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोगों को पता है वो गेट मैक्स वैल्यू वाला जो फंक्शन है ना वही हम लोगों को देता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही सेम वेरिएबल डिफाइन कर दिया था। सेम वे सेकेंड टाइम जो मैंने लाइन फंक्शन यूज किया वो मैंने y एक्सिस के ऊपर जो हम लोग ये वर्टिकल लाइन बनाएंगे ना उसके लिए यूज किया था, तो वहाँ पे मुझे x का स्टार्टिंग वैल्यू पता नहीं था तो मैंने वहाँ पे 0 लिखा। देन y1 का मुझे वैल्यू पता था तो मैंने क्या लिखा वहाँ पे, क्या लिखा था हम लोगों ने देखिए यहाँ पे है ना, क्या लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे y max डिवाइड बाई 2 देन x max y max डिवाइड बाई 2 अगेन लिखा है। तो ये फर्स्ट मुझे देगा, ये स्टार्टिंग वैल्यू देगा y एक्सिस पे जो लाइन ड्रॉ होगा उसका, और ये उसका एंडिंग वैल्यू देगा। एंड बस बाकी ये सिंपल सा कोड है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये मैनुअल एक बार कंप्लीट होगा तो ये सेम मैं जो है अपना ग्रुप जो है टेलीग्राम का उसके ऊपर पोस्ट कर दूंगा, बता दूंगा। तब तक बेटर कि आप ये सेम कोड जो अभी हम लोगों ने समझाया ना वो सेम कोड आप ट्राई कीजिए उसके साथ ही वर्क करने के लिए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। लाइन ड्राइंग अगर आपको आएगा
तब जाके देन आपको समझेगा कि हम लोग DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम कैसे यूज करते हैं, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ आर सिलेबस। ठीक है, सो DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो हम लोगों का सिलेबस में है, इफ़ यू नो कि हम लोगों ने यहाँ पे PDF में जो डाला था, आई जस्ट शो यू। यहाँ से देखो, यहाँ से आपके एल्गोरिदम्स चालू हो रहे हैं, स्कैन कन्वर्जन, DDA लाइन जनरेशन। तो आपको लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स में, अगर ये समझेगा तो ही ये एल्गोरिदम समझेगा आगे। सो अभी लाइन ड्राइंग क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट टाइम अभी मैं आपको इसी के ऊपर हम लोग DDA एल्गोरिदम कैसे यूज़ करेंगे, क्या होगा वो समझेंगे। तो आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।